कमलायताक्षो विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनीतानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्री लावर विष्णु विष्णुपाल अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राजिक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। उपस्थित त्रिदंडी बाधगण एवं वैष्णव वैष्णवियों को चरण में यथायुग्य प्रणाम करता। हम लोग श्रील महाराज जी का अनुगत्य में श्रीधाम श्री पुरुषोत्तम मासे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे राजा का नाम श्री पुरुषोत्तम देव और पुरुषोत्तम देव श्री गुरुपाल पद्म भी पुरुषम उत्तम है, इसलिए महाराज जी का अनुगत्य में हम लोग श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा करते करते महाराज जी का अनुगत्य में जहां पर आए हैं यह स्थान का नाम गंभीरा है। अभी अभी बता रहे थे अद्यापि सही लाकर गौर राय कोनो कोनो भगवान दिखवार पाए बा धाम नित्तर है। इस स्थान का नाम जो गंभीरा है, गंभीरा का एक तात्पर्य जो उड़िया भाषा में गंभीरा का तात्पर्य जो होता है जहां पर घर को अंदर में जहां पर एक गोपनीय स्थान हो, अत्यंत निगुड़ स्थान हो, उसका नाम गंभीर कहते हैं, गंभीरा कहते हैं उड़िया भाषा में। इसलिए आप लोगों ने देखा पहले गेट में प्रवेश किया, फिर ऐसे प्रवेश किया करते करते फिर देखा गंभीरा है। और दूसरा तात्पर्य जो है जहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गंभीर से गंभीर बात गोपन लीला की है, इसलिए इसका नाम गंभीरा है। जब क्यों गंभीरा, क्या गोपनीय लीला की, तो जो लीला को श्री श्याम सुंदर ब्रज में आकर के उनका मन में जितने सब इच्छाएं थी सारे इच्छा को श्री श्याम सुंदर ब्रज लीला में उन्होंने पूरी की है। लेकिन जब वे गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन श्याम सुंदर अपना वृंदावन में सिर पर हाथ रख करके कुंज में बैठे हुए बड़ा गंभीर चिंता में, क्या गंभीर चिंता, तो मेरे मन में जो कुछ इच्छाएं थी अभिलाषा को मैंने सख्य बात्सल्य मधुर जो लीलाएं हैं वो लीला रस को मैंने आस्वादन किया है। मैं पराग पर तत्व होते हुए भी जहां पर ब्रज गोपियों का प्रेम में जहां पर बसीभूत होते हुए भी मैंने नपार अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाई वसाभि हो, जहां पर वे स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव उदारम, जहां में पराग पर तत्व होते हुए भी जहां पर ब्रज गोपियों की प्रेम को चरण में मैंने सिर को मैंने नतमस्तक कर दिया, वह रस का आस्वादन मैंने किए, पात्सल रस भी मैंने आस्वादन किया है। मैं पराग पर तत्व होते हुए भी माँ जशोदा का जो प्रेम जो कि सारा दुनिया में जिसका बाहर जिसका अंदर नहीं, तो मैं पराग पर तत्व हुए भी मैया जशोदा का बंधन ने स्वीकार किया, उनका हाथ में मेरा कान मौला भी मैंने खाया है, मेरे कान को एंड भी दी, भगवान होते हुए भी सख्य रस मैंने आस्वादन किया है, सखाओं को झूठन खाया है, सखाओं को मैंने कंधे में बैठाया, उनको मुंह में तरह तरह काली को ले सुना है, मैं तो सारे रस को मैंने आस्वादन की। लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग को ऊपर चला गया, जो चीज मैं समझ नहीं पाया वो कारण क्या है, कहते राधाया प्रणव महिमा की दिन समझन अद्भुत मधुर माम की दिन, जिसको श्री लोग स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है,
इस माधुर्य को देख करके सारा दुनिया मोहित हो जाते हैं। स्वयं मैं भी जब अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ, जब अपर गलित पूर्वम कश्चमत करकारी स्फुरित मम गरिया ने समाधुर्य पूर्ण, स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन करके कद अयम कहा ये कौन है, इसलिए उनको मन में इच्छा होता है कब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप को मैं आलिंगन करूं, कद राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी कैसे मेरे रस का आस्वादन करती है, उनका अंदर में जो माता नाट्य महाभाव है प्रेम को होड़ लगते लगते राधा रानी का प्रेम इतने दूर तक पहुंचता है जहां पर कृष्ण फेल हो जाते, कहते वो क्या चीज है, जो चीज को हुए स्वयं गोलक वृंदावन में भी जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, कहते वह इच्छा को वे स्वयं इसी गंभीरा में बैठ करके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को साथ में चंडीदास विद्यावती कवि जयदेव का जो पद्यों को जहां पर स्वरूप दामोदर ललिता विशाल स्वरूप दामोदर राय रामानंद यहां पर बैठ करके जहां पर रात भर जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास के विराज गोस्वामी अंत लीला में जहां पर हुए दीपोन्माद चित्र जल्प उनके अंदर में जो उद्घूर्णा जो सब चीज है कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा से द्वारका चले जाने पर राधा जी का अंदर में जो भाव उद्धव जी को दर्शन करके कहते कैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु के भाव को समझते हुए कैसे वो पद्य को सुनाया करते थे और रात भर महाप्रभु उसी चिंता में डूबते हुए रात भर सोते नहीं थे, रात भर यहीं पर उस लीला रस में संपूर्ण डूब जाते थे, कभी कभी महाप्रभु कभी रात भर यहाँ पर उनको चर्चा हुई लास्ट रात में राय रामानंद चले जाते थे जगन्नाथ बल्लभ वाटिका स्वरूप दामोदर चले जाते थे जहां पर गोविंद यहीं पर दरवाजा के सामने सोते थे, तीन तीन जहां पर ताला बंद हुआ है लेकिन सवेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सवेरे जाते थे लेकिन देखा आज तो महाप्रभु का कोई शब्द है नहीं, ताले का ताला बंद लेकिन महाप्रभु का दरवाजा खोल कर देखते हैं महाप्रभु है नहीं, फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं कभी जगन्नाथ जी को मंदिर को सामने कभी उनको ग्रंथि अलग हो जाता था और कैसे महाभाव में कैसे महाप्रभु तरह तरह का कैसे भाव को प्रकट करते हुए कभी जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में कभी गुंडीचा मंदिर में कभी जगन्नाथ जी को सामने में कभी जाकर के समुद्र में हुए छलांग लगा देते थे और राधा रानी जैसे सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाया करती थी उसी भाव में महाप्रभु छलांग लगाते हुए कोणार्क मंदिर की तरफ माने जा रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर के साथ मिलने के लिए, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर गंभीर से गंभीर लीला किया इसलिए ये स्थान का नाम है गंभीरा, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अत्यंत मार्मिक अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप में जिसको हुए विवेचना किया है, इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है हम लोगों का श्रील महाराज जी का अनुगत में हम परिक्रमा करते करते आए, लेकिन हम तो सुनते हैं महाराज का मुख में और बोलते हैं लेकिन पता नहीं कब ऐसे उनका एक छिटा पटा उनका एक बूंद कब हमको स्पर्श करेगा, महाराज जी हम लोगों को बड़े में कृपा करें, जब जैसे यहाँ पर लेकर के आए हैं गुरुपाद पद्म ही हम लोगों को वो धाम में साथ में ले जा सकते हैं, इसलिए श्रील महाराज जी को चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे वे हम लोगों को बड़े में कृपा करें कभी ना कभी वो भाव का एक बूंद जैसे महाप्रभु जो अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलो समर्पित गुरुनत उज्जवल रसान सर्वति श्रिय वो जो उसका जो छिटा मुटा तिल के लिए आए थे केवल गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा ही वह वस्तु को आस्वादन कर सकते, इसलिए महाराज के चरण कमल में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं वे हमारा ऊपर में कृपा करें कभी ना कभी जैसे उसका एक बूंद भी हमारे आस्वाद का विषय हो, वंशा कल पुत्र भस्म कृपा पतिता नाम पाप ने भो वैष्णव भो राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हम लोग यहाँ अभी पहुंचे हैं इससे तन इस स्थान का नाम गंभीरा है और गंभीरा क्यों नाम पड़ा हमारे पंडित जी यहाँ के और रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया, मैं दो एक बातें जो विशेष कहने को वही कहूंगा और बाकी तो रसानंद जी ने सभी कह दिया है।
इसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो। ये स्थान काशी मिश्र भवन भी कहलाता है। महाराज के गुरु प्रताप रुद्र के जाना के प्रताप रुद्र के उसमें पुरुषोत्तम जाना नहीं तो उनके गुरु थे। और जब कभी वो आते थे तो अपने गुरु जी का दर्शन करते थे और उनके पैरों को दबाते थे और उनकी उन पर ऊपर भी बड़ी कृपा थी। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पूरी धाम में पहुंचे साथ हम को साथ गर्भ छेवनी करके उन्हें परम भक्त बना दिया और फिर दक्षिण में चले गए। वहां से जब लौटे तो महाप्रभु के लिए स्थान कहां चाहिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा से कहा और राजा ने कहा बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जगन्नाथ मंदिर के समीप भी है और निर्जन भी है, वहां से प्रतिदिन महाप्रभु आ सकते हैं जा सकते हैं। उन्होंने सब ये करके कहा ये हमारे गुरु जी का भवन वही सबसे उपयुक्त रहेगा, इसलिए काशी मिश्र का भवन पीछे से यहीं पर राधाकांत मठ और पीछे से गंभीरा गंभीरा का अर्थ भी बदलाया, गंभीर भावों को प्रकाश करने वाले और जो गंभीर स्थान है वहां से घूम करके और गुफा गंभीरा मैंने होता है गुफा तो ये गुफा जैसी थी जिसमें एक आदमी मुश्किल से सो सकता है, उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस स्थान में महाप्रभु जी 24 वर्ष में से करीब करीब अधिकांश समय यहीं पर कटाया, 18 वर्ष इधर उधर थे गमना गमन और 24 वर्ष यहां थे। पंडित जी ने भी बतलाया और यहीं से महाप्रभु जी ने गंभीर भावों का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के विरह में राधा जी का जो भाव देखा जाता है चित्र जल्प और जल्प सम जल्प और दिव्योन्माद और सब जो भाव हैं इनकी चित्त इत्यादि जो भाव हैं उज्ज्वल नीलमणि में इसका कुछ वर्णन किया गया है। किंतु उनकी कैसी दशा होती थी इसका वर्णन विशेष नहीं दिया, उसको समझो महाप्रभु में वो देखा जाए। यहां पर रामानंद और स्वर्ग दामोदर जब चले जाते रात में कभी कभी तो उन्हीं का चिंतन करते 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 अभी अपना नाम मुंह खींचने लगते और समुद्र में चले जाते, सब दरवाजा बंद, कैसे चले जाते किसी को कोई पता नहीं और कहते मैं बंसी सुनकर के इधर आया, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और मैं वहां आया और गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उसमें कूदते और बंकी मुहाना या चक्रतीर्थ निकट ही है यहां से 2-3 मील होगा, आप लोग सब जाएंगे वहां चले जाते बहते बहते समुद्र में और वे ऐसे हो जाते सब ग्रंथियां बहुत दूर चली जाती और एक कछुआ जैसा भाव वो समुद्र में कभी कभी ऐसा मिलता है कोई कोई मछली ऐसी एकदम लजर लजर है
ऐसी जिसमें कि ग्रंथियां इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, कोई सेप नहीं रहता है। राधा जी का ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के भावों को आस्वादन करने के लिए आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि संपूर्ण रूप से कृष्ण आस्वादन कर सके या नहीं राधा जी के भावों को, उनके लिए बस में बात नहीं थी। वो तो उन्होंने जो शिक्षा गुरु किया इसको विशाखा को, और शिक्षा गुरु के मुख से जब सुना तब मैं शाम को कल बतला रहा था, तब सिद्धांत रुचि रत्नम आलय को प्राप्त हुए। अतः सिद्धांतों को समझे तो पूरी तरह से समझे होंगे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता राधा जी के भाव, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में भावों को दिखला है। कभी कभी यहीं से सबको पार करते हुए सामने बैठे सोए हैं, नहीं नहीं वो तो गोविंद प्रभु और उपादान के रूप में, तकिया के रूप में वो, और भी काशीश्वर पंडित ये सब लोग गोपाल के रूप में थे, सब लोग रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से। और कार्य में कैसे कब सबको पार करके चले गए जगन्नाथ वाटिका, और वहां पर रासलीला इत्यादि देखने लगे, उसमें भाव विभोर होकर के गिर गए। और ये लोग खोजते 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 बड़ी मुश्किल से तब जाकर के जगन्नाथ आया। कभी कभी भावाविष्ट ऐसे हो जाते यहां से निकल जाते, और जगन्नाथ की जहां पर गैया प्रसादी खाती है चावल, उसी के पास में गिरे हुए हैं, अचेत होकर के गिरे, गैया उनको सूंघ रही है चारों तरफ से। ये सब भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में या उज्जवल लीला में राधिका जी के संबंध में नहीं लिखा, किंतु ये सबको भी समझना कि ऐसे राधा जी के भाव वो होते हैं। और वहां पर ललिता और विशाखा रूपमंजरी ये सब उनके भावों को देती थी और उनको धैर्य बंधा देती थी। जो भ्रमर गीत है उच्च कोटि का, उसमें दिव्योन्माद है उनका, और ध्यायन्ति अंग संगम, ध्यान कर रहे हैं क्या? बिना ये रमणी के तो रहेगा नहीं, तो ये मथुरा वाली नई रमणियां हैं उनके साथ में ये रमण कर रहा होगा, और क्रोध हो क्रोधित हो गई और मधु को कहा जाओ जाओ हरि 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 जाहि मां तव जाहि मां बद कई तव मन, ये सब आस्वादन किया महाप्रभु जी। इन सब भावों को आस्वादन, इन सब भावों को हम लोग बैठ करके इन सब बातों को वहीं पर हम लोग मिलेंगे। अभी बहुत से लोग आए हैं जो दर्शन नहीं किए हैं, और बहुत से लोग बाहर के भी आकर के दर्शन करेंगे, उनका पथ बंद हो गया है, इसलिए हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी में अरण्य महाराज अनुवाद कर देंगे।